आज हम क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। देखो इधर, लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें इक्वल टू का साइन हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन बोलते हैं, है ना, या जिसकी दो साइड हो, एक LHS और एक RHS, या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हम, है ना, जिसमें क्या हो, इक्वल टू का साइन हो उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। इनइक्वलिटीज, देखो इनइक्वलिटीज का मतलब क्या होता है, जिसमें इस तरह के साइन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है ना, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इनइक्वलिटीज बोलते हैं। और टू वेरिएबल, जैसे दो वेरिएबल हो आपके पास, एक्स और वाई, ठीक है ना। बात क्लियर हुई कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या हो गया, जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन हो उसे क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन बोलते हैं। इनइक्वलिटीज मतलब क्या हो गया, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से साइन होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इनइक्वलिटीज बोलते हैं। और टू वेरिएबल, टू वेरिएबल मतलब जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए। देखो इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है आपका टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो पेयर, पेयर का मतलब क्या हो गया, जोड़ा, ठीक है ना, मतलब दो चीजें हो, है ना, जैसे दो इक्वेशन, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, पेयर हो गया। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, डिग्री जो होनी चाहिए वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जिसमें इक्वल टू का साइन हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन बोलेंगे। और टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, कि जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, एक्स और वाई, या वाई और जेड, है ना, इस तरह से दो वेरिएबल हो। तो देखो इधर, जैसे मैंने बोला कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, किसकी बात करें हम लोग, इसकी जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म होती है आपके पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। क्या बोला मैंने, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ऐसे देखो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बात क्लियर हुई कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है ना। दूसरी क्या होगी, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है ना। वेरिएबल आपका एक जगह होने चाहिए और कांस्टेंट दूसरी जगह होना चाहिए। जैसे देखो इधर, अगर हम बात करें कि जैसे मान लो मैंने आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो 2x माइनस 3y, है ना, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दे रखी है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला इनको जनरल फॉर्म में लिखो, तो जनरल फॉर्म में क्या था कि x और y ये दोनों तो क्या होनी चाहिए, एक साइड में होनी चाहिए, और कांस्टेंट क्या होना चाहिए, दूसरी साइड में होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या थी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो आप क्या करोगे, इस कांस्टेंट को उठा के इधर ले जाओगे, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ऐसे देखो इसको भी अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इस 7 को उठा के इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, दिस इक्वेशन नंबर 7, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू बताओ। तो देखो x के कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, a1 बोलेंगे, y के कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, b1, और ये क्या हो गया हमारा, c1। तो a1 कितना हो गया आपके लिए बोलो, 2 हो गया, b1 कितना हो गया आपके पास, माइनस 3 हो गया, c1 कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया। ऐसे देखो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन के लिए, ये क्या हो गया आपका, a2 हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, b2, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पर, तो b2 के लिए कितनी हो गई, 1 हो गई, और ये क्या है आपका, c2 है। तो बताओ a2 के लिए कितनी हो गई, 2 हो गई, b2 इसके लिए कितनी हो गई, 1 हो गई, और c2 इसके लिए कितनी हो गई पास, 7 हो गई। बात क्लियर है, ठीक है ना। ये आपने क्या कर दिया, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होती है आपके पास, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरी क्या होती है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बात क्लियर है, चले फिर आगे। अब देखो यार, अब सबसे पहला आपसे इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, समझना मेरी बात अच्छी तरीके से,
वन मार्क्स में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जैसे मैंने आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, 2x + 3y = 6, x की वैल्यू बोल रहा हूँ 1 है और y की वैल्यू बोल रहा हूँ आपसे 2 है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा हूँ आपसे, टू फाइंड द नेचर ऑफ, है ना, दिस इक्वेशन। हमें क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन का नेचर फाइंड करना है, x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 2 पर इस इक्वेशन का नेचर फाइंड करना है। देखो नेचर का मतलब कि ये जो x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, लिख देता हूं यहां पर, टू फाइंड द नेचर, हमें क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, क्या कि x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 2 इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। देखो इधर, अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो यहां पर x की जगह 1 रख दो और y की जगह 2 रख दो। तो मैंने क्या कर दिया, x की जगह 1 रख दिया और y की जगह 2 रख दिया, बात क्लियर है। रखो उठा के, कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3 × 2 = 6, तो ये कितना हो गया, 2 + 6 = 8, सॉरी इजिकल टू 6 है यहां पर, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 = 6। क्या 8 6 के इक्वल होता है, क्या नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बात क्लियर हुई कि x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या बोलेंगे हम लोग, x इजिकल टू 1 है ना एंड y इजिकल टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसका ये सॉल्यूशन नहीं है, बात क्लियर हुई। देखो इधर, ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 2x - 3y = 1, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है मेरे को, इसका नेचर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द नेचर x = 2 and y = 1, ठीक है ना। देखो इधर, क्या बोलना चाहता हूँ आपसे मैं कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या फाइंड करना है, इसका नेचर फाइंड करना है कि इसका नेचर किस तरह का है, x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1 पर। तो आप क्या करो, यहाँ पर x की जगह 2 और y की जगह 1 रख दो, ठीक है ना। अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1 ये क्या होंगे, इसका सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। अगर इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वही आपने क्या करा, पुट कर दिया, x की जगह कितना 2 और y की जगह कितना 1 रख दिया। तो रखो उठा के, 2 × 2 - 3 × 1 = 1, ये कितना हो गया, 4 - 3 = 1, ये कितना बच गया, 1 = 1, ये क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गए। अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम क्या बोलेंगे कि x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या बोला मैंने, x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 1 इज सॉल्यूशन, है ना, ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है ये उसका क्या है, सॉल्यूशन है, बात क्लियर। चले फिर आगे, अब देखो इधर, जब आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो, देखो वैसे आपने ग्राफ 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना, इसका आपने ग्राफ 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। देखो इधर, जब आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो तो या तो इस तरह का आता है कि लाइनें क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती जाती है, ठीक है। जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो या तो इस तरह का बनेगा ग्राफ, ठीक है ना, या फिर आपको मिलेगा इस तरह से कि दोनों लाइनें कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होगी, कौन सी होगी, पैरेलल। या फिर क्या होगा आपके पास कि एक लाइन के ऊपर, ठीक है ना, एक लाइन एक और गिर जाएगी, लाइन के ऊपर लाइन गिर जाएगी, ठीक है। जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ की कंडीशन आपको बस ये 3 पोजीशन मिलेगी। जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, इनका ग्राफ बनाओगे तो आपके पास ये 3 ही कंडीशन मिलेगी, या तो लाइन कैसी मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेगी, या पैरेलल लाइन मिलेगी,
है ना, इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस और इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन गिर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ये कौन सी आगे पास, पैरेलल लाइंस, कौन सी लाइन आगे पास, पैरेलल लाइंस, बात क्लियर हो रही है। ये कौन सी आपके पास, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कौन सी आगे पास, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। ये कौन सी लाइन आगे पास, पैरेलल लाइन, कौन सी लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। ये कौन सी है, जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन गिर जाए तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट, क्या बोलते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइंस, बात क्लियर हो रही है। ये वैसे हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है यहां तक, ठीक है ना। देखो इधर क्या बताया मैंने आपको, जब भी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट दिखे तो वो कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग, है ना। अगर इस कंडीशन में दिखे तो कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। अगर एक लाइन के ऊपर एक लाइन गिर जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। अब देखो इधर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इधर, चलो मैं इसके बताया था आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि कोफिशियंट को कंपेयर कर बताओ कि इसका ग्राफ किस तरह का आएगा, ठीक है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू। क्या बोला मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू, ये क्या होता है, इक्वल नहीं होता है किसके, बी वन अपॉन बी टू के, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस, देखो किसकी बात करें हम लोग, पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू, बात क्लियर हो रही है। पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल होता है बी वन अपॉन बी टू के, नॉट इक्वल होता है सी वन अपॉन सी टू के, ठीक है ना। अब हम बात करें कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, बात क्लियर है। चले फिर आगे देखो इधर, इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन थी, ए वन अपॉन ए टू है ना इज नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन थी, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू। कोइंसिडेंट लाइंस की क्या कंडीशन थी, तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब देखो इधर, इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं आपसे पूछ रहा हूं, तो देखो ये दोनों लाइनें कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर, तो एक का मतलब हो गया यूनिक। इसके लिए क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, याद रहेगी बात कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अब मैंने पूछा कि ये दोनों लाइनें कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए क्या बोलेंगे हम, इसके नो सॉल्यूशन, है ना, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, याद रहेगी बात। पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। मैंने पूछा कि ये लाइनें है ना आपस में कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो ये बहुत सारे पॉइंट पर, क्योंकि सारे जो पॉइंट है ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रही है, ठीक है ना, इसलिए क्या होंगे, इसके कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, याद रहेगी बात आपको। इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब वन सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, बात याद रहेगी आपको। अब देखो इधर एक और वर्ड में आपको बता रहा हूं कि जिसके सॉल्यूशन होगा, क्या बोला मैंने, जिसका भी सॉल्यूशन होगा वो होगा कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट, बात समझ में आएगी आपको। आपसे एक पूछेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो मैंने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया कि जिसका सॉल्यूशन है वो है कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो देखो इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये कैसा है आपका, कंसिस्टेंट है, क्या है आपका ये, कंसिस्टेंट। इसका सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, है ना, इसलिए ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है आपका ये, इनकंसिस्टेंट। देखो इसका सॉल्यूशन है क्या, यस बहुत सारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, बात क्लियर हो रही है,
ठीक है ना, बात क्लियर हुई। ये कौन सी लाइन थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन थी? ए वन अपॉन ए टू है ना नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। ये कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन थी? ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू। मैंने पूछा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? आपने बोला नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने पूछा कंसिस्टेंट है क्या? तो देखो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। कोइंसिडेंट लाइन की क्या कंडीशन थी? ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है ना। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो क्या है? कंसिस्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इक्वेशन दे रखी है आपको 2x plus 3y is equal to 7, ठीक है ना। 3x minus का 2y is equal to 5। बात समझ में आ रही है आपको? देखो इधर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, यहां पर आप a1 upon अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू और c1 upon अपॉन सी टू है ना, कोफिशियंट को कंपेयर कर ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से? क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे है ना, कि कोफिशियंट को कंपेयर कर हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है ना ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। देखो इधर सबसे पहले हम ए वन अपॉन ए टू निकालते हैं। ए वन अपॉन ए टू देखो कितना हो गया? टू अपॉन थ्री आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला? b1 वन अपॉन बी टू निकाला, कितना आया के पास? 3 अपॉन माइनस टू। अब हमने यहां पर देखा c1 वन अपॉन सी टू की जरूरत ही नहीं हमारे को, क्यों? क्योंकि ये तो आपस में नॉट इक्वल है। तो मैंने यहां पर डायरेक्ट बोल दिया a1 वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल b1 वन अपॉन बी टू। ए वन अपॉन ए टू क्या है? इक्वल नहीं है किसके? b1 वन अपॉन बी टू के। इसका मतलब कौन सी लाइन हो गई है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। कौन सी लाइन हो गई है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइन से कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये क्या है? कंसिस्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे? सो इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या है के पास? कंसिस्टेंट है। बात क्लियर हुई? एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो इधर क्वेश्चन क्या है आपका, कि जैसे मान लो 2x plus 4y is equal to 6, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला 4x plus 8y is equal to 7। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि मुझे कोफिशिएंट को कंपेयर कर a1 वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू और c1 वन अपॉन सी टू, इनको कंपेयर करके बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। बात क्लियर हो रही है? तो निकालो सबसे पहले a1 वन अपॉन ए टू निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 4, कट के कितना हो गया? 1 बाय 2। अब निकाल लेते हैं b1 वन अपॉन बी टू, ये कितना है? 4 अपॉन 8, कट रहा है ये, 4 वन जा 4 है ना, 4 टू जा 8। ऐसे मैंने निकाला c1 वन अपॉन सी टू, ये कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 7। अब क्या दिख रहा है आपको? कि a1 वन अपॉन ए टू इक्वल है किसके? b1 वन अपॉन बी टू के, नॉट इक्वल है किसके? c1 वन अपॉन सी टू के। तो हमने यही बोला, क्या बोला आपने? a1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू b1 वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल c1 वन अपॉन सी टू, ठीक है ना। तो कौन सी लाइन हो गई है? पैरेलल लाइंस हो गई। कौन सी लाइन हो गई है? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो देखो जब इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन हो गई? इनकंसिस्टेंट हो गई। तो मैं क्या बोलूंगा? सो इट इज इनकंसिस्टेंट। कौन सी इक्वेशन है ये? इनकंसिस्टेंट।